अलवर में लगातार बढ़ते अपराधों में न सिर्फ आमजन में दहशत का माहौल है और इनकी गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि जिले में हुई कई हत्याओं और लूट की वारदातों का पुलिस ने खुलासा भी किया, लेकिन खैरतल में हुई लूट के खातिर व्यापारी मुकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपी घटना के 10 दिन बाद भी पकड़ से बाहर है। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए संभाग आईजी बीजू जॉर्ज जोसफ भी खैरतल का दौरा कर चुके हैं। मंगलवार कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी राहुल प्रकाश से मुलाकात की और जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी। हम भी व्यक्त कर रहे हैं कि हम मिलना चाहते हैं सही काम को। ये भी बात सही है कि हम रोकना नहीं चाहते किसी को, भाई आप तब से ये करो ये मत करो, लेकिन उन लोगों को पकड़ो जो असली गलत नहीं। पहले भी दो केसेज में अलवर जिले में आंगली उठी, आज तक आम जनता की आंगली उठती कहा ही गलत हुआ, ऐसे नहीं हो और सही दिशा में ये पकड़े जाएं जिससे यहाँ की जनता और व्यापारी भय। इस दौरान एसपी ने बताया कि पुलिस गंभीरता से आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभी टीमें गठित कर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। खैरतल के सभी प्रमुख व्यापारी जो यहाँ के गणमान्य नागरिक और बुद्धिजीवी वर्ग है वो आए थे और मुख्य तौर पर प्रकरण की प्रगति को जानने का उनका एक उद्देश्य था। दूसरा ये था कि अनावश्यक लोग परेशान नहीं हों, तो दो मुद्दे को लेकर के आए थे। दोनों में उनको जो प्रगति थी वो भी बताई गई और जो पूछताछ का स्टेटस था लोगों से वो भी बताया गया और लोगों ने इस बात को माना है कि जो आवश्यक पूछताछ है वो होनी चाहिए और उसमें पुलिस का हमारा पूरा हम सहयोग करेंगे। दूसरा, पुलिस के जो प्रयास चल रहे हैं, पुलिस ने जो कार्रवाई है उससे पूरी तरीके से संतोष जाहिर किया है और हर तरीके से हम लोगों को नैतिक समर्थन दिया उन लोगों ने और हम मानते हैं कि जितनी मेहनत पुलिस कर रही है वो विफल नहीं जाएगी और ईश्वर हमारा साथ देंगे और जल्द ही सफलता मिलेगी। गौरतलब है कि 10 मार्च को अलवर के खैरतल में दुकान से घर जाते वक्त व्यापारी मुकेश अग्रवाल की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। हत्या के विरोध में आज भी व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। देखना है कि पुलिस इस मामले को कितना जल्द खुलासा कर पाती है।